9:30 हो रहा है, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि हिंदी टाइपिंग करना मुझे बहुत डिफिकल्ट होता है। हुआ है मेरा मराठी टाइपिंग पर बहुत टाइम लग गया। खैर, तो मैं आपके साथ में ऑफ़ कोर्स यही शेयर करने वाली हूँ, रमज़ान मुबारक हो आप सभी को और रमज़ान का चांद भी मुबारक हो। तो अभी मैं देखने जाने वाली हूँ ऊपर में, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। और आज का मैं व्लॉग करने वाली हूँ, बेसिकली आज नहीं कल व्लॉग करूँगी, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों इस रमज़ान में बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, अगर लगता है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगेन से थैंक यू सो मच, पहले ही बोल दे रही हूँ। तो पता नहीं मम्मी कल इफ्तारी की तैयारी कुछ भी नहीं करे मम्मी ने, बस मम्मी ना पोहा पोहा बोल रहे थे, तो अभी मम्मी ने कुछ शॉपिंग करके लाई है, तो मैं देखती हूँ थैली में क्या है, मैंने देखा नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना, हर साल हमेशा से ही हम क्या करते हैं, पूरे महीने भर का ना पूरा लिख के रखते हैं, ये दिन ये, ये दिन ये, ये दिन ये, ऐसे करके इफ्तारी देंगे। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस रमज़ान भी, क्योंकि पिछले दो रमज़ान से मेरे पूरे पूरे एक भी मेरा रोज़ा नहीं छूट रहा था, तो इस रमज़ान भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा कोई रोज़ा ना छूटे, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ब्लॉग आप पूरा ज़रूर देखना क्योंकि बहुत ही स्पेशल ब्लॉग होता है मेरे लिए ये। तो मुझे लगा था छोटी सी कोर तो भी दिखेंगी, बट यहाँ पे तो दिखी नहीं रही है, बट पता चल गया है कि यस आज ही कल से रमज़ान शुरू हो गए। तो अभी तो मैं फ़िलहाल, मेरे को आज बहुत ज़्यादा काम है, मेरे को एक ब्रांड की स्क्रिप्टिंग करनी है, तो उसको भी वीडियो शेड्यूल करना है, उसके बाद में मेरे को थोड़ा सा टाइपिंग का है वो भी करना है, उसके बाद में मेरे को असाइनमेंट अब तक कम्प्लीट नहीं हुआ है वो भी कम्प्लीट करना है क्योंकि वो मुझे देने का है, और उसके बाद में थोड़ा सा फ्रेश भी होगी क्योंकि मैं इतनी तक्यू हूँ ना, इसलिए। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड लाइक भी करना इस वीडियो को, लाइक किए बिना जाना मत, बहुत मच्छर हो गया है। तो मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, ठीक है। नींद आ रही है, क्यों नींद आ रही है, क्योंकि ना मैं जस्ट और मतलब एक घंटा पहले ही सोई थी, क्योंकि ना मैं काम कर रही थी यार। तो अब मुझे पिछला क्या बोलती है, याद आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, रमज़ान याद आ रहा है, जब मैं खुद ऐसे उठ के खुद अपना पराठा बनाई थी, सब कुछ याद आ रहा है। और एक्चुअली ज़्यादा नींद नहीं लगी क्योंकि सच में बहुत नींद आ रही है, एक ही घंटा हो रहा है। आज तो मम्मी ने सब बना लिया और मैं सिर्फ आके बस यूं कर रही हूँ, और ऐसे करना नहीं चाहिए, मैंने बहुत बुरी आदत कर सकते, नींद आ रही है तो कुछ नहीं कर सकता, डार्क सर्कल्स तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कितने ज़्यादा है, बट अब वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लाइट कर रहे हैं। सो हियर इज़ माई चाय एंड हियर इज़ दी पराठा। कैमरे में ये जला जला दिखते हैं, बट रियलिटी में ये ओके है, तो जला इतना नहीं है, बट इट्स लुकिंग बहुत ज़्यादा जला इन कैमरा, नहीं कैमरे में ऐसे ही दिखते मम्मी, मैंने भी एक बार आलू का पराठा बने थे ना, ऐसे दिख रहा था। ओके गाइस, तो मैंने सहरी कर ली है और ना आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ी सी अलग लगूंगी बिकॉज ना मैं रात को सोई ही नहीं, और मेरा ना इतना एक्सेसिव वर्क के कारण मेरा पूरा कमर पूरा बहुत दुख रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, एंड शोल्डर भी, एंड नींद नहीं हुई उसकी वजह से मेरा हेडेक भी हो रहा है, मतलब मैं उठी अभी हेडेक के साथ में हूँ, तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि नींद ले लूँगी तो अच्छा हो जाएगा। मैंने अभी सहरी कंप्लीट कर ली है एंड बाकी की स्टोरी ना मैं बाद में बताऊँगी, क्योंकि अभी जो है अजान का बहुत वक्त है नमाज के, तो अभी मैं सोच रही हूँ यहीं पर ही मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत बाहर जाने की, सामने जाने की, तो मुझे बहुत नींद आ रही है। सो आई एम स्लीपिंग हियर, गुड नाइट गाइस। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो फजर की नमाज पढ़ लिया है मैंने, एंड ना अभी जब ही क्या हुआ, मैं 3 बजे ही उठ गई और आधा घंटा ही सोई, और मम्मी को बिना अलार्म के बजे ही बस मम्मी तैयार, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो टाइम हो जाएगा, ऐसे करने लग गई। तो इतनी जल्दी मैंने सहरी कर ली थी, और मुझे समझ नहीं आया क्योंकि मुझे बस ये डर लग रहा था कि मेरे को नींद लग जाएंगी तो मैं भूल ना जाऊँ,
तो इसीलिए ऐसा हुआ। और अभी मैंने नमाज़ कंप्लीट कर ली है, एंड सभी को रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। एंड बड़ा एक्साइटेड लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे रमज़ान के महीने में। अभी मम्मी कुरान शरीफ पढ़ रही है, बट मैं अभी नहीं पढ़ूँगी। मैं जो भी तलावत करना है ना, मैं दोपहर में करूँगी, क्योंकि मेरी नींद नहीं हुई है ना, तो मेरा हेडेक होगा। और आज फर्स्ट डे है ना, तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह का मैं ऐसे सर दर्द वगैरह हो, और मैं खुशी खुशी सब कुछ करना चाहती हूँ। सो इसलिए मैं अभी फटाफट से सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे काम भी करना है फिर उसके बाद में। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए सो रही हूँ, एंड फिर आपसे मिलूँगी। बट यही मेरा दिन जा रहा है, दिन जाएगा, बट अभी पता नहीं पूरा दिन कैसे जाएगा। चलो अभी गुड नाइट होते हैं। गुड मॉर्निंग। सो ना अभी एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, गुड आफ्टरनून हो रहा है। मैं सो गई थी, और ना ये मेरा रूटीन नहीं है, आज मेरा फर्स्ट डे है ना, तो इसीलिए मतलब सभी का आज फर्स्ट डे रहेगा, तो किसी का भी ऐसा रूटीन जो है शेड्यूल नहीं होगा आज, और संडे भी है, तो उसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने ना गलती कर ली, जो रात को मैं लेट नाइट तक के वर्क करती रहेगी, तो मेरा पूरा पूरा बहुत सर दुख रहा था। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। और सुबह भी आपने देखा होगा मैं ऐसे नींद में बात कर रही हूँ, अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने नींद में क्या ही बोला है। वो सब तो ठीक है, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ना आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोगों ने रोज़ा रखा या नहीं, और ना हम लोग ना इस बार शेयर करेंगे। और बस मेरा ना ऑफिस रहने वाला है, तो मुझे थोड़ा सा उसी चीज़ का फिक्र है कि ऑफिस रहेगा तो मैं कैसे करूँगी सब कुछ हैंडल, बट कर लूँगी। मेरे ऑफिस के वैसे भी बहुत अच्छे लोग हैं, तो हो जाएगा एडजस्ट। मैंने छुट्टी तो मांगा है जल्दी, क्योंकि और इधर मैं जल्दी चले जाऊँगी, इधर जल्दी छुट्टी ले लूँगी। कुछ करते हैं, अभी ना मैं उठी हूँ, और मैं ना सबसे पहले ना इफ्तार की रेसिपी देख रही हूँ, क्योंकि इफ्तार में मम्मी बोल रही है पोहा बनाना है, तो मुझे ना कुछ अच्छा बनाना है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या बनाना है। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला तो फिर तो पोहे पे ही जाना पड़ेगा, बट मेरी इच्छा थी। तो प्लीज़ अगर आपके पास में कोई अच्छी सी रेसिपी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सच्ची डाल देना, क्योंकि रोज़ रोज़ क्या बनाना समझ नहीं आता है। और वैसे हम हर साल तो लिस्टिंग कर देते, बट वही पोहा उपमा रवा यही सब, बट मुझे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनानी है, बट समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अभी ना मैं अपना पहले बिस्तर उठा लूँगी, और उसके बाद में सबसे पहले नहा कर आती हूँ, क्योंकि ना गर्मी बहुत लग रही है, और अभी 1 बजने को आ गया है। फिर नहा भी लूँगी, कौन बजा रहा है इतना, फिर नहा भी लूँगी, और उसके बाद में फिर क्या बोलते हैं अपना जोहर की भी नमाज़ पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ में आज कुरान शरीफ भी पढ़ना है। तो पर बहुत ही ज़्यादा आज एक्साइटेड क्यों हूँ मैं। और आप लोगों का फर्स्ट रोज़ा कैसा जा रहा है मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, जिन लोगों ने रोज़ा रखा है। ठीक है, अब मैं ना पहले तो रेसिपी ढूंढती हूँ। गाइस मैं नहा कर आ गई हूँ, मुझे आपके साथ में 2 प्रोडक्ट शेयर करने थे, सो इसलिए मैंने अपना फेस वॉश नहीं किया। सो मैं यूज़ कर रही हूँ आज मामा अर्थ का ऑयल फ्री फेस वॉश एंड मॉइस्चराइज़र। सो अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है, और आपको ब्लैक हेड्स के प्रॉब्लम है, वाइट हेड्स के प्रॉब्लम है, या फिर ब्रेकआउट्स ज़्यादा हो रहे हैं जैसे मुझे हो रहे हैं, ब्लैक हेड वाइट हेड और ब्रेकआउट्स काफ़ी ज़्यादा भर भर के हो रहे हैं, एंड एक्ने के भी स्पॉट्स पर जा रहे हैं, सो ये फेस वॉश उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दोनों भी प्रोडक्ट जो है ये एप्पल साइडर विनेगर रेंज के हैं, सो इन शॉर्ट इसको आप बोल सकते हैं ACV रेंज के। सो इसमें एप्पल साइडर विनेगर है, सैलिसिलिक एसिड है, नियासिनामाइड है, एंड साइट्रिक एसिड है। तो फेस को ना मैंने पहले वेट कर लिया है, एंड ये काफ़ी क्लियर फेस वॉश है, खुशबू बिल्कुल एप्पल साइडर विनेगर की तरह ही है। सो मैंने थोड़ा सा फेस वॉश लिया है, एंड अपने फेस पर बहुत ही जेंटली मैं इसको मसाज करूँगी, जैसे हम फेस वॉश करते हैं ऑफकोर्स वैसे ही करना है। सो बिकॉज इट हैज़ एप्पल साइडर विनेगर, फेस में जो भी डर्ट पोल्यूशन है ना उसको पूरा रिमूव करता है, और काफ़ी क्लियर एंड ग्लोई स्किन आपको प्रोवाइड करता है। सैलिसिलिक एसिड है, तो जो भी आपके फेस पे जो क्लॉक पोर्स है उसको ये अनक्लॉक करेगा, एंड आपको काफ़ी अच्छी स्किन देगा, एंड ब्लैक हेड ब्रेकआउट्स की जो प्रॉब्लम है उसको भी ये सॉर्ट आउट करेगा। इसमें ना एक और एक इंग्रेडिएंट है जो कि है नियासिनामाइड, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन B3 का। सो अगर आपका एनलार्ज पोर्स है तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो एक्ने के जो मार्क्स पड़ जाते हैं उसको भी फेड आउट करने में ये हेल्प करता है। ऑल्सो इसमें साइट्रिक एसिड है, जिसमें ना एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ है,
आपकी स्किन मतलब यूथफुल रहने वाली है, नरिशिंग रहने वाली है। यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि ऑल स्किन टाइप पे सूट करेगा, बट ऑयल फ्री फेस वॉश है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बट अगर इसको ऑयली स्किन वाले यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा बेटर रहेगा। यू कैन सी माई फेस, मैं बोल सकती हूँ कि ये ऑयल स्किन टाइप पर सूट करेगा, बिकॉज ये ऑयल फ्री जो है फेस वॉश होने के बावजूद भी इसने मेरे स्किन को ज़्यादा ड्राई आउट नहीं किया है। सो दैट इज़ दी बेस्ट और गुड थिंग, क्योंकि यूजुअली ऑयल फ्री जो फेस वॉश होते हैं ना वो क्या करते हैं, पूरे स्की जो हमारे जो भी ऑयल होता है ना पूरा ऑयल ही निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल ऑयल होना भी चाहिए वो भी नहीं रहता है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे फेस वॉश। उसके बाद ना मेरे पास में ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र भी है, तो इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। मतलब यहाँ पे ऐसे पहले ऐसे प्रेस करना पड़ता है एंड देन इसको ओपन करना पड़ता है, पहले तो मुझे आई नहीं रही थी ओपन करना। तो जैसे कि आपको पता है गाइस कि मामाअर्थ जो है एक प्लास्टिक पॉजिटिव एंड इंडियन ब्रांड है। अगर आप ये प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो ना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेकआउट करना, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का लिंक दिया है। एंड ये मॉइस्चराइज़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही मतलब सूथिंग मॉइस्चराइज़र लग रहा है मुझे, क्योंकि कुछ कुछ मॉइस्चराइज़र एकदम ऑयली होते हैं, चिपचिपे होते हैं, ग्रीसी होते हैं, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्दी ग्लोई लगने वाली है ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद में। ये दोनों कॉम्बो मतलब बेस्ट है, और क्योंकि मेरा ब्लैक हेड्स और एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए आई थॉट कि ये ही अच्छा रहेगा मेरे स्किन के लिए, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड एक और एक चीज़, अगर आप रोज़े में भी हो तो भी आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। तो बहुत से लोगों को ये मिथ होता है कि रोज़े में हम मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन ये सब नहीं लगा सकते, सो नो गाइस आप लगा सकते हो। और अगर आप ये प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक तो मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में है, बट आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक कूपन कोड जो कि है Anjali2022। सो आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट पे। एंड मामाअर्थ के जो भी प्रोडक्ट है वो पैराबिन फ्री है, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है एंड दे आर गुड फॉर योर स्किन। नाउ मामाअर्थ ब्रांड का एक बात बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब भी आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो ना तो वो आपका जो ऑर्डर है एक प्लांट से लिंक कर देते हैं एंड वो आपके बिहाफ में वो प्लांट को प्लांटेशन करते हैं, तो वो मुझे अच्छा लगा। एंड उसकी जियो लोकेशन और सारी चीज़ें पिक्चर पिक्स सारी आपको सेंड कर देते हैं, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो ये इनिशिएटिव का पार्ट आप डेफिनेटली बनिए, और प्रोडक्ट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर से चेकआउट करना। नाउ अब मैं बाकी की चीज़ें कर ले। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आज मेरा रोज़ा है, तो मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है और जोहर हो गई है। अभी ना मैं फटाफट से थोड़ा काम पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं शूट कर रही हूँ बट मैं एक्चुअली रियलिटी मैं जितना काम कर रही हूँ ना वो शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं काम में ही बिजी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। और ना मम्मी गई है, कुछ और हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो इसके पहले भी मैंने बनाया है, तो हमने सोचा कि इस बार वो बनाते हैं तो वही बनाएंगे। और उसकी भी इफ्तारी की तैयारी थोड़ी पहले से ही करनी पड़ती है, क्योंकि इतनी जल्दी तो बनता नहीं है ना सारी चीज़ें। तो अभी 4 बजने को आ गया है, नाव मैं अपना फटाफट से वर्क कम्प्लीट कर लेती हूँ, देन उसके बाद में मैं मम्मी के साथ में इफ्तारी की तैयारी करूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, रोटियाँ आधी अदरक अच्छी पका के रख ली है, और अभी मैं बाकी की तैयारी कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मिर्ची और प्याज काट के रखा है मैंने यहाँ पे, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं। अब ये तवा गर्म था तो मैंने सोचा इसी पे बना लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा तेल डालूँगी इसमें, कुछ मिर्चियाँ है, तो थोड़ा सा कड़क होने तक
पकाऊंगी। अरे जल रही है तो मैं इसको थोड़ा निकाल भी लेती हूँ जल्दी से। आई थिंक ये कड़क हो गई होंगी। अगर आप आवाज़ सुनोगे तो है ना, आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे मैं ये प्याज को भी थोड़ा पका लूँगी, गोल्डन पिंक गोल्डन होने तक के। मैंने एक पॉलीथीन पहन ली है क्योंकि ये मिर्च काफ़ी तीखी है ना। इसको अभी वो इसके अंदर में ना मैंने डाला है वो जो प्याज को पकाया ना वो डाल दिया, और ये है आलू। अब इसको मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी ऐसे, और इसमें थोड़ा नमक पड़ेगा, थोड़ा चाट मसाला। काली मिर्च है डालो। रेडी हो चुके हैं एंड साइड बाय साइड पुलाव भी बन रहा है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी एंड अच्छे लग रहे हैं। बता कैसा बना, सच्ची बता। तेज जभी बोला था ना, तेज है। सो ये रहे हमारी इफ्तारी उशीन करते हुए। रोज़ा रखूँगा बोला था, किया तो नहीं, चल झूठा। अभी इफ्तार का वक्त हो गया है, और ये रहे मेरे टैकोस और ये खीर। सो ये हमारी इफ्तारी है आज, पानी वानी भी है। कैसा होता छान ना। चलो इफ्तारी हो रही है, नमाज पढ़ेगी इसका वक्त बहुत था। ऑलराइट गाइस, सो अस्सलाम वालेकुम, और ये मेरा आखिरी सलाम जो कि ईशा की नमाज के बाद मैं आपको कर रही हूँ। और यही मेरा आज का मतलब ये रूटीन नहीं बोलूँगी, आज का पहला रोज़ा रमज़ान का इस टाइप से गया। आई होप आपका भी बहुत ही अच्छा गया हो। मैं सच बता रही हूँ, मैं यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि आज का मेरा रोज़ा इतना मतलब होता है ना, किसी किसी रोज़े में मतलब पहला दिन तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है कि थोड़ा एहसास होता है, बट मेरे को इतना सा भी एहसास नहीं हुआ। एंड बहुत बहुत सही लग रहा है हमको इस बात से। और ना यही कुछ होता है, ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। कल से मैं ऑफिस जाऊँगी, और तो कल ही कुछ अलग सी ही रहेगा मेरा, ऑफिस में नमाज़ होगी, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं पूरी नमाज़ कर पाऊँ। बट मुझे लगता है कि मेरी एक नमाज़ छूट सकती है, बट फिर भी वो देख लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वो भी पढ़ लूँगी। और यही था आज का दिन, और मैं यहाँ पे तो वीडियो एडिट एंड कर दूँगी, क्योंकि मैंने ये वीडियो को फटाफट से एडिट करके भी रखा है ताकि मैं फटाफट से इसको टाइम पर अपलोड भी कर पाऊँ। मुझे अभी भी काम करना ही है, ऐसा नहीं है काम नहीं किया करना है करके, अभी भी बहुत ज़्यादा काम करना है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और ना मैं सोचती हूँ कि ये तला फला नहीं खाऊंगी अब से, कुछ ना वाटरमेलन वगैरह लेकर आऊँगी, हल्का सिंपल चना पोहा ये सिंपल चीज़ें ही खाऊँगी। आज मैंने बनाई, अच्छा भी बना, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं बना, बट ना मुझे ऐसा लगा इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल और साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए। कूलर की आवाज़ आ रही होगी शायद। सो आपका दिन कैसा गया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कुछ हेल्दी सी डिश भी बताना भला, मैं सच बनाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ही जाना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और कमेंट भी करके जाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय। मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट अलग ही से, बाय।